वक्त जो नूह में हालात है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। यानी जो मैं आपको कुछ देर से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, ये सब जो तस्वीरें दिखा रही हूँ उसके पीछे मकसद ये है कि अगर बाहर से बैठकर कोई साजिश आज की तारीख में भी करने की कोशिश कर रहा हो या वो चाह रहा हो कि अफवाह फैलाए या इसका असर वो दूसरे प्रदेश में दूसरे जिले में करने की कोशिश करे तो शायद ये संभव नहीं है। क्योंकि कल से लेकर आज तक हरियाणा की जो सरकार है या फिर प्रशासनिक टीम है चौकन्ना है, चाक चौबंद व्यवस्था जिसको कहते हैं वो यहाँ पे आज आपके महसूस कर सकते हैं। अगर मैं कल यहाँ पे होती तो शायद हालात बहुत ज्यादा खराब होते, कल यहाँ पे इत्मीनान से रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता, इत्मीनान से इन सड़कों से गुजरना मुश्किल होता। लेकिन आज हमारी टीमों की बदौलत ये कदम उठाए गए हैं कि यहाँ देखिए आम लोग भी अब गाड़ियों से आ जा रहे हैं, यानी पहले की तरह हालात नहीं है यहाँ पे। ये और बात है कि बाहरी लोगों को इस तरीके से कहा गया है कि माहौल खराब ना हो और जब तक आपको बहुत जरूरी ना हो तब तक इस रास्ते से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार मैं फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि अब आम लोग इत्मीनान से आ जा रहे हैं, यानी कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश भी करता है तो आप किसी भ्रम में मत रहिए। मैं अपने सहयोगी जावेद की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, रिपोर्ट से भी पता चल जाएगा कि सब कुछ शांत हो चुका है। जरा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ स्थिति क्या है। यहाँ एक दुकान का हाल ऐसा नहीं है, आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए, ये इस इमारत को भी आग के हवाले किया गया। ये एक होटल था, ये देखिए यहाँ पर इसको भी आग के हवाले किया गया। और यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। नकुल एक बार जरा ऊपरी हिस्सा भी इसका दिखाएं, किस तरह से जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो चकनाचूर हुआ, जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी संभवतः यहाँ पर रही होगी। और यहाँ सड़क पर आप देखिए किस तरह से जो पत्थर हैं, ये पत्थर आप देखिए इस तरह से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है और ये पूरी गली में आपको पत्थर नजर आएंगे। तो ये हम लगातार दिखा रहे हैं, दरअसल ये पैमाना दिखा रहे हैं किस तरह से सोहना में स्थिति खराब थी, नूह में जो हिंसा भड़की आपको बता दी, करीब यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ से नूह है, उसका असर यहाँ पर हुआ है। देखिए ये भी एक होटल यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखिए आप, इसको भी यहाँ नुकसान हुआ है और इसके अंदर भी आग लगाने की कोशिश की गई है, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आग की कालिख यहाँ हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं यहाँ इस वक्त नूह में हूँ और यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है सोहना इलाका। यहाँ जब कल दंगे जैसा माहौल हुआ, यहाँ जब अशांत इलाका हुआ तो इसका असर सीधे सीधे महसूस किया सोहना के उन मासूम लोगों ने जिसका कोई कसूर नहीं था। महज अफवाह के चक्कर में पड़कर वहाँ भी उपद्रवियों ने तांडव मचाया, वहाँ तोड़फोड़ मचाई, लेकिन ठीक नूह की तरह ही वहाँ भी इस वक्त धरपकड़ जारी है और जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है। सोहना से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, उस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि जो नूह की स्थिति है वो कमोबेश सोहना की भी स्थिति है। नूह के बाद सोहना में भी हुआ बवाल, सोहना में दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। सोमवार को जहां एक तरफ पुलिस फोर्स नूह में उपद्रवियों को काबू पाने की कोशिश में जुट गई थी, उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने सोहना में भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। सोहना बाईपास पर दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों और सड़क किनारे मौजूद दुकानों में आग लगा दी। सोहना में ये पूरा बवाल करीब दो घंटे तक चलता रहा, इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। घरेलू काम करने के लिए शाम को बाईपास पे थोड़ी भीड़ सी, इस मैं फ्रेंड्स कॉलोनी से आया, बाजार में अंदर बड़ा सारी दुकान बंद थी, मैं जो पर्ला रोड है जो वहाँ से जाता है ताउडूवाड़ा, उस रोड से आ रहा था, सीधे कॉलोनी है कौन जावेद कॉलोनी कौन सी, इसमें से सीधी फायरिंग आई और मेरे पैर में गोली लगी, मैं वहीं पे गिर गया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है, शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है।
पूरे हालात पर प्रदेश सरकार की नजर बनी हुई है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो नूह के आसपास के जिले हैं वहां भी हालात खराब ना हो, वहां भी जो बलवाई है वो उपद्रव ना मचाए, इस बात को लेकर पुलिस जो एक्शन के मूड में है उसके बारे में इस वक्त मैं बताती हूं। मैं झज्जर की इस वक्त बात कर रही हूं। वहां भी एसपी के नेतृत्व में रात भर पेट्रोलिंग होती रहेगी, वहां हालात ना खराब हो, वहां नूह का असर ना देखने को मिले जिस तरीके से सोहना में देखने को मिला। तो वहां से जो एक एक तस्वीर आई, जो बड़ी बातें झज्जर से निकलकर सामने आई वो यही कि वहां हालात कंट्रोल में है और वहां कुछ ना हो इसको लेकर रात भर पेट्रोलिंग होती रही। और मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे तक इन पूरे इलाकों की निगरानी होती रहेगी ताकि जो दो पक्षों का मनमुटाव है, जो दो विवाद है वो फिर से ना शुरू हो जाए। इस बात को लेकर बीच बचाव भी करने की कोशिश हो रही है, समझाने बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। जो स्थानीय नेता है जिनका इस इलाके में अपना जनाधार है, जिनका प्रभाव है, उन नेताओं को भी प्रशासनिक टीमें सामने लाकर बिठा रही है और वो चाहती है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें और अब ये बवाल और विवाद आगे ना बढ़े। एक बयान सुनवाते हैं। झज्जर में हमने बिल्कुल हाई अलर्टनेस मेंटेन करके रखी है और जो सातों डीएसपी हैं हमारे उनको एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है और रिजर्व में भी हमने यहाँ पे जो फोर्स रखी हुई है, साथ ही जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ हमने गश्त बढ़ाई है और सभी वर्गों के लोगों से निरंतर हमारी बातचीत जारी है। तो यहाँ सौहार्द का माहौल है, शांति का माहौल है। और एक और रिपोर्ट में इस वक्त दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जरा ये मूवमेंट कैसे इस वक्त शुरू है। ये इधर की तस्वीरें जो देखेंगे आप, महिला पुलिस कर्मियों की, महिला फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है। और ये बहुत जरूरी भी कि हालात जब खराब हो तो कब कहाँ किस जगह पे स्थिति खराब हो, हो सकता है कि किसी घर में ऐसे माहौल खराब हो जाए, उपद्रवी कुछ वहाँ पहुंच जाए और वहाँ महिलाएं हो तो उनकी सुरक्षा के लिए ये एहतियातन कदम उठाए जाते हैं किसी भी दंगा जैसे इलाके में। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे और अगले कुछ दिनों तक पुलिस को यही रहना है, इसलिए इनके तरफ से भी अपनी पूरी व्यवस्था करके ये टीमें आई हुई है। ऐसा नहीं है कि ये जो आपको बसें, ये गाड़ियां, ये जो काफिला दिख रहा है वो कुछ ही देर में यहाँ से चले जाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं फिर चाहूंगी कि एक और नई बस आई है और उसके जरिए जो फोर्सेज निकलकर जा रही है आगे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ये टीमें हैं वो बहुत मायने रखती है। इनकी संख्या पहले की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। ये डेवलपमेंट मैं बीते कुछ घंटों से लगातार देख रही हूँ कि यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, फिर भी नूह को लेकर जो शक है और नूह को लेकर जो साजिश की बू आ रही है उसके बाद ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। ये एक एक तस्वीरें बहुत मायने रखती है। ये पुलिस लाइन के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत ने क्या कहा है, उनका बयान सुनना जरूरी है इस माहौल में, आप सुनिए। शांति आ गई है, लेकिन कल जो हुआ था शाम से लेकर के रात तक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी मेवात के अंदर इस तरह की हरकत नहीं देखी गई जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से पार्टीशन हुई है 47 के अंदर, उसके बाद पहली बार नूह के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं, मेवात के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं। भारत सरकार की तरफ से इस वक्त 14 पैरामिलिट्री कंपनियों को तैनात कर दिया गया है, 6 और आने की संभावनाएं हैं, आज में शायद 12 बजे तक को भी आ जाएंगी। तो हालात नूह में नियंत्रण में आ गए हैं। एक एक मंत्री का बयान इस वक्त जरूरी है, एक एक नेता का, एक एक सांसद का बयान इस वक्त जरूरी है। हरियाणा सरकार में मंत्री का बयान हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि इन बयानों का असर इस खराब माहौल में ऐसे होता है कि लोग कुछ हद तक समझते हैं और शांत हो जाते हैं और अपने इलाकों की खूबी समझते हुए अपने इलाके को शांत करने में पूरी भूमिका निभाते हैं। देखिए, मेरी तो जनता से ये अपील है कि अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना करें और सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी है। जो लोग असामाजिक इस प्रकार के हैं, जो लोग लोगों के बीच में एक इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं या जिन्होंने इस प्रकार का किया, उनके खिलाफ सख्ताई के सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति बहाली में सब के सब लोग उसमें सहयोग करें और शांति में ही सबका फायदा है, मतलब लाभ है सबको, और शांति में ही परिवार तरक्की करता है, शांति में ही देश और प्रदेश तरक्की करता है।
जितने भी बीजेपी के खद्दावर चेहरे हैं जिनका ताल्लुक हरियाणा से है वो सभी सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरे इलाके में शांति हो, क्योंकि ये हरियाणा की जो अलग तस्वीर दूसरे प्रदेशों में जाएगी वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि कुरुक्षेत्र से जो सांसद है सैनी साहब वो क्या कह रहे हैं उनको भी आप सुनिए, वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। वहाँ पर कोई घटना हुई है उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा उसके ऊपर देख रहे हैं और अभी लोगों से शांति की अपील भी है, अभी लोग शांति बना करके रखें, परंतु जो दोषी लोग हैं किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो याद रखेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना वो किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। जो भी दोषी होगा उस घटनाक्रम के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।